Hey everyone, welcome back to Microp Talk, you're on YouTube channel, I'm Manshi, once again with you, और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2024, जो कि ICGEB JNU में. सो यस, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रीम्स बता देती हूँ उसकी. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मेडिसिन, देन प्लांट बायोलॉजी, देन इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. ये तीन मेन स्ट्रीम है. इसका जो रिस्पेक्टिव वर्क है वो उनके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको मैं कह सकती हूँ, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्लास या फिर 60% या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए MSc में किसी भी ब्रांच से, साइंस की फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या फिर MTech या MBBS या MBSc या फिर MPharma स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से. ऐसी जगह जो रिकॉग्नाइज हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, उससे अलग जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, जैसे कि CSIR, UGC, ICMR, DBT, BINC, DST, INS, PIRE, यानी कि इंस्पायर. तो ठीक है, इन वाली कैटेगरीज में कोई भी JRF एग्जामिनेशन अगर आपके पास क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे. कॉपी आपको लगानी पड़ेगी अवार्ड लेटर की यहाँ पर, ठीक है, कि आपको JRF दिया गया है. और जो भी आपकी फेलोशिप है, ठीक है, वो एटलीस्ट 4 ईयर्स के लिए अप्लीकेबल होनी चाहिए. गेट एंड DBT सेकेंड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लीकेबल नहीं हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करेंगे. सो एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन ही फिल करने हैं, ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है. सो एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है. मल्टीपल एप्लीकेशन जो होंगे स्टूडेंट्स के वो कैंसिल कर दिए जाएंगे. इससे अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने होंगे 1000 रुपीज़. किसके रेफरेंस में? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन डिटेल्स के साथ, जैसे कि नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अकाउंट टाइप करंट है, बैंक नेम बैंक ऑफ अमेरिका, IFSC कोड उससे अलग MICR एंड SWIFT. इससे अलग बैंक का एड्रेस भी यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है, तो इसी के रेफरेंस में आपको ट्रांसफ़र करने हैं 1000 रुपीज़, ठीक है. उससे अलग आपको जो अपना ट्रांजेक्शन नंबर होगा वो नोट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ट्रांसफ़र का, जिससे कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपको इसकी डिटेल वहाँ पर देनी होगी. जब भी आप अपना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सो UPI से कर रहे हैं तो आपको UPI हैंडल जो है उसको राइट डाउन करना है अपने पास. IMPS से कर रहे हैं तो आपको राइट डाउन करना है मोबाइल नंबर, ठीक है. इससे अलग NEFT से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिमार्क सेक्शन में क्या करना है, अपना नेम लिखना है, ठीक है. सो जो आपका पेमेंट है वो क्या होगा, सही से ट्रांसफ़र हो जाएगा. इससे अलग स्कैन करना है आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये वो डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे जो होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फेलोशिप का अवार्ड लेटर, ठीक है. यहाँ पर इसका साइज़ भी लिखा है, फ़ोटो 2 MB तक होना चाहिए. जो आपका रिसेंट लेटर होगा फेलोशिप का वो 1 MB तक. इससे अलग कास्ट सर्टिफिकेट 1 MB का. जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट जो है ऑनलाइन रिसिप्ट जो है वो जनरेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ही, ठीक है. ये क्या है, आपका एडमिट कार्ड है. सो जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट आएंगे उन्हें अपना एडमिट कार्ड लेके आना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के साथ. इससे अलग डेट्स की बात करें, सो इंटरव्यू की डेट होने वाली है 11th through 12th 2023, ठीक है. फॉर्म जो है वो 25th of November तक आपको सबमिट करने होंगे. सो यस, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग माइक्रोप टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस.